कल से दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा का एक बार फिर से महापंचायत शुरू हो रही है और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको नाम दिया है किसान आंदोलन पार्ट टू। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लेफ्ट के बड़े नेता हनान मुल्ला जी। सर, कल किस मांग, कौन सी मांगों को लेकर के आप फिर एक बार महापंचायत कर रहे हैं? हमारा जो मांग है, पहला फेज का आंदोलन में 3 काला कानून वापस हुआ था, मगर हमारा और कुछ मांग उसके साथ था। एक था फसल का सही दाम, उसको गारंटी। दूसरे था इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत खतरनाक है किसानों के लिए, उसको वापसी। तीसरा था कर्जा माफी करना, क्योंकि कर्जा के वजह से रोज एवरी डे 52 किसान खुदकुशी कर रहा है, उसका कर्जा का माफ करना। और उसके साथ साथ जो लखीमपुर खेरी में मंत्री जो हमारा खून किया किसानों का, वो खूनी को हटाना और उसको सजा देना। और हमारा 45,000 झूठे मुकदमा हमारा खिलाफ है, ये मुकदमा को उठा लेना और शहीद 750 परिवार को कोई मदद करना, ये सब हमारा मांग था। तो सरकार लिख के दिया था ये सब मांग, हम आपको विचार करेंगे। तो लिख के देने के बाद हम सामूहिक रूप से विद्रोह किया था, बंद तो नहीं किया था। तो जब 14 महीना हो गया सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हमारा सामने लड़ाई करने का बिना और कोई रास्ता नहीं। तो पिछली बार आपको क्या लगता है कि पिछली बार जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, किसान जो है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे हजारों की संख्या में कूटा गाड़ करके बैठ गए थे एक तरीके से कह लें, और जो तस्वीरें आई दिल्ली के कई लोग दिल्ली वासियों को परेशानी हुई, लाल किला में जो तस्वीरें देखने को मिली वो बहुत शर्मनाक थी, तो क्या इस तरीके एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीर देखने को? मैम बोला आंदोलन का रूप अलग अलग होता है, एक रूप एक बार हुआ, हर आंदोलन एक रूप नहीं लेता। तो हम लोग अगले मीटिंग करके कैसे रूप होगा अगले आंदोलन को हम तय करेंगे। हम सिर्फ केंद्रीभूत आंदोलन ना, फैला हुआ आंदोलन चाहिए, पूरा देश में आंदोलन को फैलाना है और उसमें राज्य जिला किसानों का भूमिका बड़ा होगा। तो वो सब कैसे होगा डिटेल्स हम अगले मीटिंग में तय करके योजना बनाएंगे। आपने से कई वक्ताओं ने 2024 लोकसभा चुनावों का जिक्र किया, तो क्या लगता है आपको कि ये महज एक किसान आंदोलन रह गया है या अब ये एक राजनीतिक रूप धारण कर चुका है, राजनीतिक आंदोलन बन गया? आंदोलन राजनीति, सुनो, दुनिया में कोई राजनीति नहीं है, राजनीति के बिना दुनिया नहीं चलता। आपका जिंदगी, खाना पीना सोना सब राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजनीति आपको पार्टी का राजनीति या राजनीति के मीनिंग समझना पड़ेगा। हमारा जो मांगे हैं और हमारा राजनीति है, किसान जो मांग कर रहा है ये किसान का राजनीति है। आंदोलन भी राजनीतिक रूप ले, आपको बोल सकते कोई राजनीतिक और राजनीतिक नहीं हो सकता कोई आंदोलन, मगर हमारा कहना है ये पार्टी का राजनीति नहीं है। पार्टी के नेताओं को मंच पे इजाजत होगी अलग अलग पार्टी? अभी तक तो कोई पार्टी का नेता हम बोला नहीं, मगर पार्टी का जिम्मेदारी बनता है जब किसान लड़ रहा है उसको मदद करें, यही तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। पार्टी तय करेगा क्या। आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार सरकार जो है जो एमएसपी कानून की आप बात कर रहे हैं, क्या इस बार क्या सरकार मानने के लिए तैयार होगी? ये सरकार क्या करेगा, ये सरकार का जो चरित्र है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। 3 काला कानून हमारे लिए बनाया, 4 लेबर कोड मजदूर के लिए बनाया, आप सबके लिए। तो ये सरकार जनता के खिलाफ साजिश करना इसका कैरेक्टर है, मगर फिर भी दबाव के सामने झुकना पड़ता है। कितने लोग आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, कितने लोग इकट्ठे? 40-50 हज़ार काल होगा, प्रथम रैली है दिल्ली में, फिर इसके बाद हम पूरा देश का आंदोलन तय करें। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हनान मुल्ला जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल जो है 40-50 हज़ार किसान जो कि देश भर के अलग अलग इलाकों से आएंगे और सभी जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे, और सरकार ने 13 महीने पहले जो कि पहला किसान आंदोलन था उसमें एमएसपी गारंटी देने की मांग की थी, अब तक वो गारंटी नहीं मिली है। इसको लेकर के अब ये किसान आंदोलन पार्ट टू कल सुबह 10 बजे से दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू होगा। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।